मंगलवार को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बागली के चापड़ा में स्वागत किया गया। मंत्री कमल पटेल इंदौर से लसूड़िया में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे। उसी दौरान चापड़ा चौराहे पर उनका पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चापड़ा के बदहाल राजस्व बसों बंद नक्शे को लेकर उन्हें अवगत कर बताया गया कि चापड़ा का राजस्व बसों बंद नक्शा न होने के कारण कई परेशानियों का सामना आमजन को करना पड़ रहा है। इस पर कमल पटेल द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उक्त समस्या को लिखित में अवगत कराए, जिसे जल्द ही हल करा दी जाएगी। साथ ही किसानों द्वारा 2019-20 की बीमा राशि को लेकर भी कृषि मंत्री को अवगत कराया गया, जिस पर मंत्री पटेल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसानों के खातों में बीमा राशि डाल दी जाएगी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।